हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मधुबाला की रसोई। आज हम पालक पनीर की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए 1 किलो पालक धोकर के काट करके उबाला है नमक डाल के, और उसके बाद इसे चॉप कर लिया। टमाटर काट लिए हैं, पनीर काट लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 10-12 काजू, जीरा, हींग, देगी मिर्च, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च कटी हुई, हल्दी, गरम मसाला। कढ़ाई गर्म हो गई, तेल डाल देंगे। अब जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट डाल करके भून देंगे। अच्छे से अदरक भून गया, अब टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी भून लेंगे। अब ये सभी मसाले डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से चला देंगे और गलने तक पकाएंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब ये पालक सारा इसमें डाल देंगे। पालक को भून लिया है, अब इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसे फिर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें काजू डाल देंगे और साथ में पनीर डाल देंगे। अब इसे भी मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। पालक पनीर अच्छे से पक गया है। अब इसे अलग से बाउल में निकाल लेंगे। पालक पनीर बनके तैयार है। अब मक्खन को पिघला के थोड़ा ऊपर डाल देंगे। अब काजू के टुकड़ों से इसे सजा देंगे।